वेलकम बैक यार भाई लोग, फाइनली इंडियन बाइक 73D में आ चुका है न्यू अपडेट। और न्यू अपडेट में काफी ज्यादा न्यू चीजें ऐड हो चुकी है, तो आज की वीडियो में आप लोग को सारी चीजों का चिट कोड बताने वाला हूं। और आज की वीडियो काफी ज्यादा छोटी होने वाली, तो आप लोग जरूर से फुल वॉच करना। एंड चलो यार, अभी अपन लोगों ने फटाफट गेम एसटी कर दिया और अपन लोग आ चुके सीधा गेम के अंदर। और अभी अपन लोग सीधा चलते बाहर। और एक सेकंड वेट भाई, यहाँ पे फॉर्चुनर खड़ी रहती थी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दूसरी न्यू कार यहाँ पे खड़ी रहती है अपने घर के जस्ट सामने। डिफेंडर जैसी लग रही है, आई थिंक डिफेंडर है। और अभी अपने को घर के सामने फॉर्चुनर नहीं मिलेगी, डिफेंडर मिलेगी। ओके, सबसे पहले अपन लोग उसको लेकर सीधा घर के बाहर चलते हैं। एंड अभी आप लोग को मैं बताऊंगा सारी चीज़ों का चिट कोड, कौन कौन सी न्यू चीज़ें ऐड हुई हैं इस अपडेट में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग बाहर चलते हैं। भाई ये बढ़िया लग रही है, मतलब यार थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है ना, तो बढ़िया रहता है। अब हर बार की तरह अपन लोग जब भी गेम ओपन करते तो फॉर्चुनर आती थी, अब आप लोग को दूसरी न्यू कार देखने को मिलेगी घर के सामने। तो चलो ये चीज़ थोड़ी बढ़िया है, छोटे छोटे चेंज काफ़ी बढ़िया रहते। तो चलो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट सीधा बढ़ते चिट कोड की ओर। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताने वाला हूँ न्यू थार का चिट कोड। जहाँ जो अभी न्यू थार लॉन्च हुई है ना, तो वो अपने गेम में इतने जल्दी ऐड हो गए, मतलब कि यार पहली बार कोई कार ऐड हुई है जो कि अभी रियल में लॉन्च हुई है और गेम के अंदर आ गए। तो इसका चिट कोड होने वाला है 999 और 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो भाई क्या ही तो मस्त लग रही भाई न्यू थार। इसका नाम है थार रॉक्स, ठीक है, थार रॉक्स करके इसका नेम होने वाला है। एंड ये अपना मतलब रेड कलर में, आप लोग इसको कोई भी कलर में चेंज कर सकते हो। एंड काफी ज्यादा बढ़िया लग रही। एंड भाई अभी अपन लोग इसको ड्राइव भी करने वाले, मतलब कि यार ड्राइव में देखेंगे इसका मतलब स्पीड वगैरह टेस्ट करेंगे। एंड एक सेकंड भाई, एक चीज तो मैंने देखी नहीं, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो थार की ऊपर की जो छत रहती है ना, ऊपर वाला मतलब कि जो रूप रहता है भाई, उसको अपन लोग ओपन भी कर सकते हैं। मतलब कि बड़ी बड़ी कार में रहता है ना कि जो ऊपर की छत रहती है वो ओपन हो जाती है, तो भाई ऐसे ही थार का भी अपन लोग ऊपर का जो कांच रहेगा ना वो उसको खोल सकते हैं, मतलब पूरा तो नहीं खोल सकते। फिर अपने गेम में एक न्यू मोड आ चुका है यहाँ पर, आप लोग देखो पहले डे रहता था, नाइट रहता था, अब एक और मौसम आ गया बारिश वाला मौसम। आप लोग को 999 डायल करना है और अपना टाइम चेंज हो जाएगा। और ये बरसात का मौसम जैसे रहता है ना, बादल वगैरह रहते, तो ये वो वाला मौसम आ जाएगा। 999 डायल करना आप लोग। और यहाँ पे देखो यार क्या ही मस्त लग रहा है। और अगेन से आप लोग फिर से 999 डायल करोगे तो यहाँ पे होने लगेगी बारिश। हाँ जी हाँ, मतलब कि मौसम वही रहेगा, बस बारिश और चालू हो जाएगी भाई। और बिजली वगैरह भी तड़क रही भाई, भाई काफ़ी बढ़िया अपडेट यार। मतलब बारिश की डिमांड काफ़ी ज़्यादा करते थे लोग, और देखो फाइनली बारिश वाला मोड भी आ चुका है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोग बरसात के मौसम में भी गाड़ियाँ ड्राइव कर सकते हो, अलग ही मजा आएगा। और फिर आप लोग फिर से 999 डायल करोगे तो अपना टाइम चेंज हो जाएगा, फिर अपनी नाइट हो जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नाइट का भी ऊपर का थोड़ा चेंज कर दिया, मतलब व्यू थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले ऐसा नहीं रहता था। फिर अगेन से आप लोग 999 डायल करोगे तो अब नाइट में भी बारिश होने लगी, और वेट होने लगेगी। बट यहाँ पे आप लोग देखो भाई, जो नीचे मतलब बारिश की बूंदें गिर रही, क्या ही तो मस्त लग रहा है भाई, कुछ बोलो यार। ये वाला अपडेट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और बहुत ही टाइम हो गया था, मतलब कि 3-4 अपडेट से गाड़ियाँ भी ऐड नहीं हो रही थी, तो इस गेम में एक गाड़ी भी ऐड हो गई थार रॉक्स करके। मतलब कि इस गेम में एक व्हीकल भी ऐड हुई है, 4-व्हीलर, ठीक है। वरना पहले तो यार व्हीकल ऐड होती नहीं थी, RGS टूल में चिट कोड आते थे। और पहले आप लोग को पता है 9 डायल करते थे जब नाइट मोड आता था, बट अब 9 से नहीं आता, अब 999 से आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अपन लोग सबसे पहले थार को ड्राइव करके देखते हैं, ठीक है। एंड भाई चलो यार फटाफट, सबसे पहले अपन लोग थार को ड्राइव कर इसका इंटीरियर भी देखेंगे। पहले अपन लोग पर थार को ऐसे नॉर्मल ड्राइव करेंगे, और भाई काफी मस्त लग रहा है यार। इसका कलर वगैरह भी चेंज करेंगे तो और भी बढ़िया रहेगी। और यहाँ पे आप लोग देखो जो ऊपर का जैसा कि मोल रहता है ना रूप, उसको ओपन कर सकते हैं। आई थिंक पूरा ओपन नहीं होगा, जितना हमें कांच लगा है ना उतने में बस अकेला उतना ही अकेला ओपन होगा। एंड भाई काफी मस्त चल रही कार। एंड इसका स्टेयरिंग वगैरह सिस्टम भी काफी बढ़िया है, मतलब कि जो स्टेयरिंग व्हील वाली सेंसिटिविटी है ना ठीक ठाक है, और भाई काफी बढ़िया है। आप लोग को कैसे लगे यार, आप लोग कमेंट में जरूर से बताना। चलो यार इसका भी अपन लोग फटाफट इंटीरियर भी देख लेते, और भाई साहब यार क्या ही तो मस्त चल रही है। तो चलो यार सबसे पहले अपन लोग फटाक से गाड़ी से उतर जाते। एंड नेक्स्ट अपडेट में क्या चीज़ ऐड होने चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताना। जी मतलब कि आपका जो भी ओपिनियन हो, आप लोग को जो भी गेम के अंदर न्यू ऐड चाहिए जो गेम में है नहीं, जैसे कि रेन मोड आप लोग को पहले बहुत से लोग डिमांड करते थे तो वो फाइनली आ गया, मतलब जो आप लोग डिमांड करोगे ना वो आएगा, टेंशन मतलब भले थोड़ा लेट आएगा, तो आप लोग अपना ओपिनियन जरूर से बताना। एंड चलो अब यहाँ पर आप लोग देखो इसका इंटीरियर भाई साहब क्या ही तो मस्त लग रहा है इस थार का इंटीरियर। और जैसा कि मैं बोलूं यहाँ पे आप लोग देखो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर कांच लगा है ना, तो जो धूप आ रही है ना वो भी पड़ रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग अपने ओपिनियन जरूर से देना जो भी आप लोग को गेम के अंदर ऐड करवाना है। भाई देखो हर आपकी जो भी डिमांड रहती है ना वो हर डिमांड पूरी होती है, हाँ बस थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे कि रेन मोड बहुत पहले से चलता आ रहा है बट फाइनली अब ऐड हो चुका है, तो वैसे आप लोग एक बार कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर से देना कि ये चीज़ गेम में ऐड होना चाहिए, ठीक है। बाकी यार सारा कुछ मैंने कवर कर दिया आज की वीडियो में। एंड आज की वीडियो में इतना था, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और भाई यार भाई मिलते नेक्स्ट वीडियो में।